जोशी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से। कार्यालय के उद्घाटन पर कैलाश पुत्र आकाश ने बांट दिए संतों को लिफाफे। भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजय वर्ग के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के दौरान रविवार को आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई गयी। प्रत्याशी कैलाश के इंदौर एक विधानसभा क्षेत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सभा थी, लोग कम थे और इंदौर विधानसभा दो से भाड़े की भीड़ बुला ली। सभा के बाद कैलाश पुत्र आकाश विजयवर्गीय ने संतों को सम्मान करते हुए श्रीफल व लिफाफे भी बांटे। सभा के लिए कुछ संतों को बुलाया गया था। सभा समाप्त होने पर अतिथि निकले तो आकाश संतों को श्रीफल के साथ लिफाफे बांट दिए और संतों से जीत का आशीर्वाद लिया। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक सभा में उन्होंने कहा कि हॉलीवुड की फिल्म बनाने में जितना खर्च लगता है उससे कम खर्च हम चंद्रमा पर लैंडिंग कर गए, लेकिन इनके राहुल गांधी यानी की लॉन्चिंग हो रही है ना लैंडिंग। कुछ दिन पहले नीमच आया था, तब मैं शिवराज सिंह चौहान के बारे में कहा था कि वह राजनीति के धोनी है, शुरुआत चाहे जैसी हो लेकिन अच्छा फिनिश करे, मैदान जीत लेते हैं। देखे पूरी खबर इंदौर से। योगेश दुबे की रिपोर्ट। मैं बताना चाहता हूँ, नीमच में मैं आज के महीने भर पहले आया था, यात्रा प्रारंभ हुई थी, शायद उस यात्रा की मैं आप ही निकले थे कैलाश विजयवर्गीय, उसमें मैंने कहा था शिवराज सिंह चौहान के बारे में। शिवराज सिंह जी चौहान बड़े खिलाड़ी हैं और मैंने कहा वह क्रिकेट के खिलाड़ी धोनी हैं, चाहे शुरुआत जैसी हो लेकिन अंत में अच्छी फिनिश देकर वह मैदान जीत लेते हैं, इसलिए मैंने कहा कि वो धोनी है राजनीति के मैदान में। और मैं कहना चाहूंगा कि यदि शिवराज सिंह चौहान धोनी हैं तो हमारे कैलाश विजयवर्गीय हार्दिक पंड्या हैं। के साथ बैठकर पांच साल में हम क्या करेंगे, वो विजन डॉक्यूमेंट भी मैंने जनता के बीच में रख दिया कि पांच साल में हम इसको विकास में नंबर वन बनाएंगे। हमें हमेशा आशीर्वाद रहा राजनाथ जी का। राजनाथ जी के बारे में एक बात बताऊं, ये ऊर्जा के केंद्र हैं। राजनीति में काम करते कई बार निराशा आ जाती है और राजनाथ जी के पास बैठ गया पांच मिनट तो निराशा समाप्त और काम करने की ऐसी ऊर्जा लेके जाते हैं कि फिर से तरोताजा जैसे हो गए हैं। ये राजनाथ जी की विशेषता है। ऐसे राजनाथ जी आज हमारे बीच में हमें आशीर्वाद देने आए, मुझे आशीर्वाद देने आए। जब पार्टी से मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि माननीय राजनाथ जी मेरे कार्यालय का उद्घाटन करें, उन्होंने कहा कार्यालय का उद्घाटन राजनाथ जी करेंगे क्या? मैंने कहा आप बोल के देखिए, अगर करेंगे तो मेरा सौभाग्य, नहीं तो कोई बात नहीं। चिट्ठी गई कार्यालय से, राजनाथ जी ने तत्काल स्वीकृति दे दी। मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास निशब्द हूं मैं, किस शब्दों से राजनाथ जी का अभिनंदन करूं मैं।